Right, welcome everyone. Today we'll be doing the topic of SI and CI, Sadharan Byaz or Chakravirti Byaz. Kafi easy aur badhiya topic hai. Isme questions agar hum dhyan se karenge to aasani se cheeze samajh mein aayengi aur agar sirf short tricks ratenge to baat nahi banegi. Short tricks karenge but samajh ke karenge, theek hai. आइए पहले से कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपने स्कूल में पढ़ रखे हैं एक बार उसका एक रिवीजन हो जाए. हालांकि बहुत ज्यादा काम का तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ये टर्मिनोलॉजीज, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी किस दर पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, टाइम, और इसको कई बार एन भी लिखा जाता है. चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट केस में इसको एन भी लिखते हैं, ठीक है. क्यों लिखते हैं इसकी बात भी करेंगे, राइट. और मिश्रधन यानी कि अमाउंट, ये हम सभी लोगों को पता है ये क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ये इंटरेस्ट चाहे आपका एसआई है या फिर आपका ये सीआई है, ये दोनों ही केस में ये वाला फॉर्मूला आपका हमेशा ही सही रहता है, ठीक है. तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. चक्रवृद्धि ब्याज के केस में यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपको पता होगा कि हम लोग सीधा सीधा मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला हम लोगों के पास होता है. ये हो जाता है आपका आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन, ठीक है. अगर दो वर्ष है तो दो, अदरवाइज एन, जितने भी वर्ष हैं. अब देखिए ये हम लोग इसमें अमाउंट निकालते हैं यानी मिश्रधन निकालते हैं. अगर हमें इसमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. जो भी हमने यहाँ से अमाउंट कैलकुलेट किया उसमें से अगर हम प्रिंसिपल घटा लेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है. अच्छा, एक और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए बेटा, वीडियो और ऑडियो ऑफ रख लीजिए, ठीक है. कुछ डाउट हो तो हैंड रेजिंग का ऑप्शन है और चैट का ऑप्शन है, आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है. अपना ऑडियो वीडियो ऑफ कर लो बेटा. वेल ओके, सो विल प्रोसीड फ्रॉम हेयर. ये इस तरीके से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट है या फिर अमाउंट है, इन चीजों को हम लोग ये बेसिक पाते हैं, ये हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए. और हाँ, कंपटीशन में बहुत ज्यादा ये काम नहीं आता है, लेकिन हाँ फिर भी पता तो होनी चाहिए, ठीक है. काम तो कभी ना कभी किसी ना तरीके से बेसिक चीजें हमेशा काम आती हैं. हाँ, देखेंगे इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है, ये सब बातें भी हम डेफिनेटली देखेंगे. तो एसआई का फॉर्मूला यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला भी आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा. ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है PRT/100, ठीक है. साधारण ब्याज हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट करते रहे हैं, ठीक है. तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. अब ये बेसिक बातें हैं, मुझे उम्मीद है कि आप में से 99% लोग ये चीजें जानते होंगे. 1% जो नहीं जानते थे उनके लिए मैंने ये चीजें आपको रिवाइज करेंगी, ठीक है. और देखो इससे आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन में किस लेवल पे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, कैसे क्या होगा, इसकी बात करेंगे, ठीक है. लेट अस प्रोसीड अहेड. पहला सवाल मैंने लिया आपके पास, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन ₹6400 फॉर 2 years. दो वर्षों के लिए इनमें क्या अंतर होगा ये हमें बताना है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है सीआई और एसआई में. देखिए अगर हम बेसिक फॉर्मूले से करें जो अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो बहुत दिक्कत देगा. आप सब लोग कर पाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अगर आप बेसिक फॉर्मूला लेते हो कि भाई मान लो इसका प्रिंसिपल दे रखा है ₹6400 और तुम इसका एसआई निकालते हो, एसआई कितना निकालोगे, ये आप निकालोगे पीआरटी, राइट. पी आर कितना है, 12.5%, 12.5%, ओके. पी आर टी और टी कितना है, टी अपॉन 100, ठीक है. आप इस प्रकार से एसआई निकालेंगे. सीआई कैसे निकालेंगे, सीआई निकालने के लिए आप पहले अमाउंट निकालेंगे, यानी कि ये इधर हमारे पास रहेगा 6400 और 1 + 12.5 divided by 100 की पावर 2 माइनस 6400, ठीक है.
और जो भी आएगा आप फिर अंतर मार्क कर दोगे। देखो डेफिनेटली ये वाला जो तरीका है ये बहुत लेंदी है और ये कॉम्पिटिशन में मुझे नहीं लगता बहुत काम का है। तो दो तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अपना माइक म्यूट पे रखिए, अपना माइक म्यूट पे रखिए ताकि पीछे से डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, एक ये बेसिक तरीका, ये तो कहीं से कहीं हमें नहीं समझ में आता है, ठीक है। दो तरीके और जो बच गए वो कौन से हैं इसकी बात करेंगे। देखो सबसे पहला तरीका है तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक का, राइट। अगर तुम्हें ये याद रहता है तो ये क्वेश्चन तुम बड़े आसानी से कर लोगे, ठीक है। क्या है कि CI-SI कभी भी आप जब दो वर्षों के बीच का अंतर देखेंगे तो ये हमेशा होता है आपका PR/100 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। दो वर्षों का अगर ये आ जाए तो हम स्ट्रेट अवे इसको यूज कर सकते हैं। आइए अप्लाई करके देखते हैं क्या ये काम आता है। तो पी के जगह पे हमने रखा 6400, R/100 12.5 अगर आप देखें बटे 100 कीजिएगा तो ये एग्जैक्टली 1/8 होता है। 12.5/100 कितना होता है, 1/8 होता है। तो बड़े आसानी से आपको ये पता लग रहा है कि 64 और ये अंतर कितना आ गया आपका 100 रुपए का, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाला मेथड तो डेफिनेटली कारगर है, राइट। ये मेथड हमें समझ में आता है और ये मेथड कारगर है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने इस मेथड को या तो लिख लिया होगा या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में ले लें, जैसे चाहे आप वैसे रखें। बट हाँ, ये जो मेथड है, ये जो आपकी शॉर्ट ट्रिक है, अभी हम इसको समझेंगे भी, राइट। आप जानते हैं, जो लोग मेरे से पहले से क्लास ले रहे हैं वो जानते हैं, किसी भी शॉर्ट ट्रिक को मैं सिर्फ आपको वैसी बता नहीं देता हूँ, मैं उसके पीछे का रीजन भी आपको बताना चाहता हूँ ताकि क्वेश्चन में अगर कोई बदलाव आ जाए, अगर आपको उसकी समझ है तो आप उसको सही तरीके से अप्लाई कर लेंगे, और अगर आपने सिर्फ रट रखा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप फेल हो सकते हैं। तो इसलिए आप इसको अभी ध्यान रखिएगा, CI-SI अगर दो वर्षों के बीच का डिफरेंस पूछा गया है किसी भी तरीके से तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, PR/100 का होल स्क्वायर। आर हमारा 12.5 था, इस केस में 12.5/100 1/8 होता है, ठीक है। स्ट्रेट अवे हमारा आंसर 100 आ गया बिना किसी परेशानी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभी इसको हम समझेंगे ये फॉर्मूला कैसे आया है, डेफिनेटली हम इसी वीडियो में इसको देखने वाले हैं, लेकिन पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं पहले इस, अगर सिर्फ इतना याद है तो कहां तक हम कर पाते हैं इसको, इस चीज को भी समझते हैं, क्योंकि अगर भाई सीखने की जरूरत क्यों पड़ रही है, अगर रटने से ही काम मिल जाता तो सीखने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जिस क्वेश्चन पे हम फंसेंगे हम उसी पे चीज सीखना शुरू करेंगे। हाँ अच्छा, यहाँ पे फंस सकते हैं, अगर हमें याद भी है तो भी फंस सकते हैं, इसीलिए वहां पे फिर हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये हमसे कह रहे हैं कि बताइए ये द डिफरेंस बिटवीन CI-SI। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा गया था और इस बार इन्होंने डिफरेंस दे दिया, कितना डिफरेंस है 40 रुपए का, कितने साल में, दो वर्षों में। तो पूछा गया बताइए इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अगर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, आर दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, क्या इसमें वो फॉर्मूला लग जाएगा? क्या था भाई फॉर्मूला? फॉर्मूला था आपके पास जो शॉर्ट ट्रिक थी वो थी कि CI-SI जब हम लोग दो वर्षों के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो ये सीधा R/100 होल स्क्वायर स्ट्रेट अवे हमें आंसर देता है। आओ अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारे पास, जहां तक मुझे लग रहा है, इसके ऑप्शंस गलत हैं, देख लेते हैं, शायद पिछले क्वेश्चन से एज इट इज ऑप्शन ऐड हो गया होगा, राइट। कोई ऑप्शन गलत ही लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो पी हमें निकालना है, ये डिफरेंस हमने देख लिया 40 रुपए का दे रखा है, और R/100, R कितना है 8%, तो 8/100/2। अब इसको स्क्वायर करने से पहले क्यों ना इसको जो है जो चीज कट रही है कैंसिल कर लेते, 2/25 बच रहा है। तो ध्यान से देखो, P तुम्हारे पास कितना आ गया, राइट। P तुम्हारे पास आ गया ये 2/25 बच रहा है, 25 का स्क्वायर करोगे दूसरी तरफ जाएगा 625, 40 तुम्हारा एज इट इज है, और ये जो 2 है 2 का स्क्वायर करने पे ये 4, तो स्ट्रेट अवे आपका आंसर कितना आ गया, 6250। तो हाँ, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा है और हम लोग आंसर तक बड़े आसानी से पहुंच रहे हैं। व्हाट इज द आंसर, इट इज 6250। देखो कोई भी मेथड जो तुम्हें आंसर 10, 15, 20 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड में दे रहा है वो मेथड बढ़िया है, राइट। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, राइट। ये टाइपिंग एरर है, प्लीज इग्नोर इट, राइट। ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इट इज 6250, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। मेथड
कि बेसिक्स हम जरूर सीखेंगे लेकिन वहां पे जहां हमें महसूस होगा कि हाँ इसके बिना काम नहीं चल रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम प्रिंसिपल अमाउंट एट रुपीज 20% फॉर 3 years इज 48। अब देखिए यहाँ पे क्या 3 वर्षों का अंतर दे दिया, यदि किसी मूल राशि पर 3 वर्ष के लिए 20% पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 48 रुपए है। अब जो अंतर है वो 3 वर्षों का है, ध्यान रखना। अभी अभी जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था मैं दोबारा लिख देता हूँ राइट साइड पे कि CI-SI, राइट, ये जो हमने अभी अभी ये फॉर्मूला किया था CI-SI, यहां मैंने ध्यान से देखो मैंने 2 लिखा था, ठीक है, और ये हमने क्या लिखा था R/100 होल स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब लागू है जब अंतर 2 वर्षों का है। ये वाला फॉर्मूला इस सवाल के लिए फेल हो गया, जब अंतर 3 वर्षों का दे दिया गया तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आपका फेल हो गया। CI-SI फॉर 3 years इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू दिस। तो क्या होगा, क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है? डेफिनेटली है, शॉर्ट ट्रिक तो हर चीज की होती है लेकिन हमें समझना भी है ना। तो आओ पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं लिखी देता हूं ताकि आप ध्यान अगर याद रख सकते हैं याद रख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक में प्रॉब्लम यह है ना कि अगर तुम सिर्फ रट्टू हो तो ठीक है भाई काम चलेगा, लेकिन कितना रटोगे, हर जगह पे कितनी चीजें रटोगे आप, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। ये हो जाएगा पी, अब ये आर बाई हंड्रेड का होल स्क्वायर था ना, यहाँ पे ये होल क्यूब हो जाएगा और ये जो चीज थी ये प्लस होकर के 3 गुना में आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये बनेगा आपका 3PR/100 होल स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये जो दाएं तरफ में येलो लाइन के पीछे है ये ध्यान रखिएगा, ये 2 वर्षों के लिए फॉर्मूला है और ये 3 वर्षों के लिए शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। कैसे आता है इसको भी हम डेफिनेटली अभी करने वाले हैं, इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स हम इस बात को समझेंगे कि ये फॉर्मूला आखिर आता कैसे है, ठीक है। फिलहाल आइए इसको देखते हैं, क्या इतनी सी नॉलेज से क्या हम इस क्वेश्चन को करने के काबिल हो गए हैं। आइए लेट अस सी। डिफरेंस दे रखा है भाई, फॉर्मूला हमारे पास है, डिफरेंस कितना दे रखा है 48 रुपए का, हमने 48 लिखा बाएं तरफ। दाएं तरफ इन्होंने हमसे क्या पूछा है, हमें प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, ठीक है। प्रिंसिपल को ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पे भी पी है यहाँ भी पी है, मैं प्रिंसिपल पी को जो है इधर अलग से रख लेता हूँ, ठीक है। और आर बाई हंड्रेड का होल क्यूब है, आर कितना है 20, तो 20/100 कितना हो गया 1/5, 1/5 अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो 1/5 का होल क्यूब कितना हो गया बच्चों 1/25, ठीक है। यहाँ अगर आप देखिए तो ये 3 गुना तो है ही है, और क्या है 1/5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 1/25 हो जाएगा, वो 125 था और ये 125 है, ये 125 था और ये 25 है, ठीक है। पी हमने एज इट इज कॉमन रखा है, हमें पी की ही वैल्यू निकालनी है। देखो एक स्टेप में ऑलमोस्ट तुम्हारे पास आंसर आ चुका है, ये 125 है, यहाँ तुम जब LCM लोगे तो 125 ही रहेगा और ये तुम्हें कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 × 3 यानी कि 15। यानी पी की वैल्यू आप जैसे ही अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 48 आपके पास है, 125 ऊपर जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 16, बड़े आसानी से 16 दिए और 375 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ ये शॉर्ट ट्रिक अगर आपको ध्यान में है तो मामला तो बनता है, राइट, लेकिन कितने शॉर्ट ट्रिक याद करोगे यार, और अभी आगे सवाल हम देखेंगे वहां तो फिर थोड़ी और समस्या आएगी। तो आओ इस स्टेज पे हम चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने एक टेबल बनाया है और इस टेबल के बेसिस पे हम कुछ चीजें को अभी सीखेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं और उसकी मदद से हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे अज्यूम कीजिए हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपए का है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मान लीजिए 10% है और हम लोग 3 वर्षों के लिए इसको देख रहे हैं कि भाई 3 वर्ष में क्या क्या होगा कैसे होगा, इस बात को हम स्टडी कर रहे हैं कि आखिर होता क्या है। आओ पहले फॉर्मूले से देखते हैं फिर उसी से हम रिलेट करेंगे। देखिए किसी भी चीज को अपने बेसिक नॉलेज से जोड़ के पढ़ोगे ना तुम्हें वो समझ में आएगा और ध्यान रहेगा, और सिर्फ रटने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे दिमाग से डेफिनेटली वो आज नहीं तो कल निकल आएगा, इसलिए अपने पिछले नॉलेज से उसको रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स भी देख ही रहे हैं हम लोग, देखेंगे आगे भी, राइट, लेकिन हर चीज को पिछले नॉलेज से रिलेट करेंगे समझने के लिए। आइए देखिए
अब जैसे मैं एसआई की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ नीचे मैं यहाँ टोटल भी लिख देता हूँ कि भाई किस वर्ष में कितना हुआ और टोटल क्या हुआ। जैसे हमारे पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, एसआई इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100, हम सभी लोग जानते हैं। पी हमारे पास कितना है 100, आर कितना है 10, और एक वर्ष के लिए मैंने टी को 1 लिया, ठीक है। हम हर वर्ष के लिए देखना चाह रहे हैं फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, पीआरटी अपॉन 100। तो बड़े आसानी से हम लोगों को ऐसा दिखता है कितना हो जाएगा ये 10, ठीक है। अब सपोज करो मैं जैसे सेकेंड ईयर के लिए चाहता हूँ तो सिंपली क्या चेंज होगा, ये टाइम भी तो चेंज होगा, ये 1 था कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो टोटल इंटरेस्ट अब हमें कितना मिलेगा, अब हमें टोटल इंटरेस्ट 20 मिलेगा। टोटल इंटरेस्ट अब अगर हमें 20 मिला है तो समझने की बात यह है कि इस 20 में से 10 रुपए तो हमें पहले वर्ष में ही मिल चुका था, तो सेकेंड ईयर में और कितना मिला 10 रुपए और, ये बात समझ रहे हो ना। फर्स्ट ईयर में 10 रुपए मिल गए थे, सेकेंड ईयर में टोटल 20 रुपए मिले जिसमें 10 रुपए पहले मिले थे, तो सेकेंड ईयर में दूसरे वर्ष में कितना मिला, दूसरे वर्ष में हमें 10 रुपए और मिला। सिमिलरली जब हम थर्ड ईयर की बात करेंगे, ठीक है, जब हम थर्ड ईयर की बात करेंगे तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। जब ये 3 होगा तो टोटल 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 30 रुपए का, 30 रुपए का ब्याज जिसमें से 20 रुपए हमें पहले मिल चुके हैं तो तीसरे वर्ष में कितना मिला 10 रुपए। टोटल ब्याज अगर हम लोग चेक करें कि भैया टोटल हमें आखिर इंटरेस्ट मिला कितना, तो 10 10 10 टोटल हमें 30 रुपए का ब्याज मिला, ठीक है। ये वाली बात बड़े आसानी से आप यहाँ पे अपने फॉर्मूले से देख पा रहे हैं, राइट। मैंने कोई भी अभी तक तुम्हें शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई इस जगह पे, 2 हमने पहले की है, ठीक है, बट यहाँ पे हम चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सिमिलरली सीआई के लिए भी हम लोग पहले इसको बेसिक तरीके से करेंगे, एक्सट्रीमली बेसिक। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, n हमारा पहले वर्ष के लिए कितना है 1। ये जो r प्लस 100 वाली चीज है, ये जो ब्रैकेट में चीज है, क्या मैं इसको 11/10 लिख लूं? कैलकुलेशन को थोड़ा सा साधारण रखने के लिए मैं इसको 11/10 लिख रहा हूं। तो साफ साफ दिख रहा है कि अमाउंट हमारा कितना हो गया भाई, 110 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि सीआई कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिश्रधन में से मूलधन घटाना पड़ेगा। मिश्रधन हमारा इस केस में 110 है, हमने 100 रुपए घटाए तो बचे कितने 10 रुपए। इस तरीके से हमने बड़े आसानी से एक वर्ष का देख लिया कि कितना आ रहा है हमारे पास, ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है, ये हमारे पास 10 रुपए का आ रहा है। दो वर्षों के लिए क्या बदलेगा भाई, ये जो 1 है ये तुम्हारा 2 हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर यानी कि 121, यानी तुम्हारा जो अमाउंट है वो 121 हो जाएगा। 121 में से 100 रुपए घटाए तो 21 रुपए, यानी दो वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 21 रुपए। 21 में से 10 रुपए पहले वर्ष में मिले थे तो हमारे पास दूसरे वर्ष में कितने मिले, दूसरे वर्ष में हमारे पास 11 रुपए मिले। मुझे उम्मीद है ये बात हम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है, दूसरे वर्ष में हमारे पास सिर्फ 11 रुपए मिले हैं, ये बात हम लोग समझ पा रहे हैं। अच्छा चलिए तीसरे वर्ष की बात करते हैं। तीसरे वर्ष के लिए क्या होगा भाई, तीसरे वर्ष के लिए हमारे पास ये समय जो है ये 3 हो जाएगा। अब 3 होगा तो 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, 1331 बटे 1000 गुने 100, यानी बचेगा क्या 133.1। 100 रुपए इसमें से घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। अभी तो ये क्या है, ये हमारा मिश्रधन है, 100 रुपए घटाएंगे तो हमें टोटल जो ब्याज मिला चक्रवृद्धि ब्याज वो मिला 33.1। अब उसमें से 21 रुपए पहले मिल चुके हैं, यानी तीसरे वर्ष में कितना मिला भाई 12.1। तो अभी तक हम लोग इतनी बात समझ पा रहे हैं कि हमें किस वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, ठीक है। ये हमने क्या प्रयोग किया, बिल्कुल बेसिक चीजों का प्रयोग किया, बेसिक फॉर्मूले जो हमने अपने स्कूल में सीखे हैं, राइट, उसका प्रयोग किया है। क्या इसको हम लोग किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, क्या इस चीज को क्या हम लोग बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं? मैं ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, सारे फॉर्मूले मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आप लोग समझ गए हैं और ये बहुत बेसिक बात है, तो मैं इन सबको यहाँ से हटा रहा हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैं यूट्यूब पे भी इसको अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को, ठीक है। देखिए अब हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का डिफरेंस हम एक्चुअली में समझ के करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो भाई सभी लोग, हमें ये देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सपोज करो आप ये बात किसी रिक्शे वाले को समझा रहे हो जिसको पढ़ाई लिखाई कुछ खास नहीं आती है, राइट, आप उसे ये बात समझा रहे हो कि भाई एसआई और सीआई में क्या अंतर होता है, आओ तुम्हें हम बताते हैं, ठीक है। तो चलो भाई
उनको बताने के लिए हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको करेंगे। तो मान लीजिए कि SI और CI, आप इसको कैसे बताइएगा कि SI में क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है ना वो सिर्फ हमें प्रिंसिपल पे मिलता है, सिर्फ मूलधन पे ही ब्याज मिलता है। SI के केस में हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो किस पे मिलता है, सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है। जबकि CI के केस में हमें प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलता ही है, साथ साथ जो पिछला ब्याज होता है, जो पिछला इंटरेस्ट होता है, उस पे भी उसी दर से ब्याज मिलता है। वी गेट द इंटरेस्ट ओवर द प्रिंसिपल एज वेल एज द प्रीवियस इंटरेस्ट दैट वी हैव अर्नड प्रीवियसली, ठीक है। एंड वी गेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल द केसेस, व्हाटएवर इज गिवन एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा उस अपने अंडरस्टैंडिंग वाले तरीके से देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे अंडरस्टैंडिंग वाले तरीके से ये वाला कैसे होगा। अब देखो, प्रिंसिपल हमारा कितना था, प्रिंसिपल हमारा 100 रुपए था, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा 100 रुपए था। साधारण ब्याज हमेशा हमेशा किस पे मिलेगा, सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%। तो अगर हमने देखा तो प्रिंसिपल 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10%। हमने देखा भैया ये एक वर्ष के लिए या फिर सिंपल साधारण ब्याज हमारा एक वर्ष में कितना आ रहा है, एक वर्ष में हमारे पास कितना आ रहा है, ये चीज यहाँ कैंसिल हो गई, बचा क्या भाई, बचा सिर्फ हमारे पास 10। यानी एक वर्ष में जो हमें ब्याज मिला वो कितना है, 10। और क्योंकि हमें जो ब्याज मिलता है सिंपल इंटरेस्ट में वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही मिलता है, ये चेंज नहीं होता, ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, इसीलिए आप ध्यान दोगे कि हर वर्ष में ब्याज कितना है, बराबर ही रहता है, राइट। एवरी ईयर द इंटरेस्ट इज इक्वल इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, प्लीज डू रिमेम्बर दैट, ओके। हमारा जो ब्याज है वो हर वर्ष में बराबर ही होता है क्योंकि प्रिंसिपल भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है लेकिन जो ब्याज मिल रहा था, वो जिस राशि पे ब्याज मिल रहा था, वो राशि बदल जाती है, राइट। अब इसमें क्या है, ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलेगा ही, ठीक है भाई, प्रिंसिपल पे तो कितना मिलेगा, उसी दर से मिलेगा, तो 10 रुपए ही मिलेगा प्रिंसिपल पे, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, यानी फर्स्ट ईयर में हमारे पास प्रीवियस इंटरेस्ट कितना था, 0, 0 का 10%, 0। सेकेंड ईयर में प्रीवियस इंटरेस्ट कितना था, 10 रुपीज, 10 रुपीज का 10%, 1, इसीलिए कितना बना, 10 + 1, 11, ठीक है। थर्ड ईयर में हमारा प्रीवियस इंटरेस्ट कितना हो गया, 21 का 10% कितना होता है भाई, 21 का 10% कितना हो जाता है, 2.1, इसीलिए 10 + 2.1 कितना बन गया आपके पास, 12.1। ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिला, ओवरऑल इंटरेस्ट आपको मिला 30 रुपए ये, और 3.1 यानी कि 33.1, ठीक है। हम लोगों ने बड़े आसानी से इसको बिना फॉर्मूले के भी समझा, कोई कैलकुलेशन नहीं की, सीधा बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन किया, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग जनरलाइज भी करेंगे कि आखिर जो फॉर्मूला मैं आपको बोल रहा था कि जो फॉर्मूला है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। जो फॉर्मूला मैं आपको अभी बता रहा था, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे समझेंगे, या आप कह लीजिए अभी हम इसको डिराइव करेंगे, देखेंगे कि आखिर वो फॉर्मूला है क्या, ठीक है। उससे पहले एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत सिंपल सा, राइट, आप अपने आप को जवाब दे सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको ये दिया गया कि कोई धनराशि, एनी अमाउंट, गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 60 रुपीज इन 5 ईयर्स, 5 वर्षों में 60 रुपए का ब्याज आ रहा है, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्नड इन 7 ईयर्स। अगर 5 वर्षों में 60 रुपए का साधारण ब्याज मिल रहा है तो बताइए 7 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा उसी धनराशि पर, उसी दर से, प्रिंसिपल भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, राइट। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पैट्रिक प्लीज गो ऑन म्यूट, अपना फोन म्यूट कर लो बेटा, म्यूट लगा लो, राइट। तो ये आपके पास सिंपल है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे इस बात को समझेंगे कि अगर आपके पास एक वर्ष में, राइट, जितना भी ब्याज होगा 7 वर्ष में उसका 7 गुना होगा, तो कैसे पता लगेगा भाई, 60 रुपए हमें मिले हैं 5 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, सिंपल है, 12 रुपए मिलेगा, 7 वर्ष में कितना मिलेगा, 12 × 7 = 84 मिलेगा, खत्म। What is the principal? कोई मतलब नहीं है। What is the rate of interest? कोई मतलब नहीं है। Straight away हम सिर्फ इस बात पे ध्यान देंगे कि हम ये देखेंगे भाई 60 रुपए 5 वर्ष में मिले, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 60/5, यानी कि एक वर्ष में इतना मिलेगा। हमें मालूम है साधारण ब्याज हर साल बराबर ही होता है, तो 7 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 12/7 = 84, खत्म, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को बड़े आसानी से कर सकते थे। ठीक है, आइए इस फॉर्मूले को हम लोग जनरलाइज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जनरलाइज करेंगे। प्रिंसिपल हमारा पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आर परसेंट पर एनम है, और टाइम मान लीजिए हम लोग 3 इयर्स के लिए ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, पहले वर्ष में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिलता है, पी मिलता है। किस पे मिलता है, आर परसेंट, राइट, प्रिंसिपल पे हमें आर परसेंट मिलता है। यानी अगर हम देखें तो हमारा जो इंटरेस्ट है एसआई में वो कितना है फर्स्ट ईयर में, पी आर बाई 100। और हमें इस बात को अभी तक समझ में आ चुका है कि सेकेंड ईयर में भी ये पी आर बाई 100 ही होता है, थर्ड ईयर में भी पी आर बाई 100 ही होता है, और इसीलिए 3 वर्षों में ये पी आर टी, अब इस टी को चाहे मैं इधर लिखूं या इधर लिखूं एक ही बात है, ये टोटल इंटरेस्ट हमारे पास कितना हो जाता है 3 इयर्स में, इट इज 3 PR/100। ठीक है, और इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वी अंडरस्टैंड कि ये पी आर बाई 100 तो यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, राइट, प्रिंसिपल पे तो हमें इंटरेस्ट मिलना ही है। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो समझने की बात है कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मिलता है। फर्स्ट ईयर में प्रीवियस इंटरेस्ट आपका जीरो था, तो जीरो का आर परसेंट कितना होगा, जीरो, राइट। सेकेंड ईयर में अगर हम लोग देखें तो सेकेंड ईयर में हमारे पास जो प्रीवियस इंटरेस्ट है वो है पी आर बाई 100। इस पी आर बाई 100 का अगर हम लोग आर परसेंट लेंगे, आर परसेंट ऑफ पी आर बाई 100, तो ध्यान से देखिए ये एग्जैक्टली आपको वही फॉर्मूला मिल रहा है जो अभी अभी हमने शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में देखा था। ठीक है, वेयर एज इन द केस ऑफ थर्ड ईयर हमें जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रीवियस इंटरेस्ट पे मिलेगा, ये भी इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, ये टोटल ये भी इंटरेस्ट है, तो इन सब पे हमें आर बाई 100 के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आर बाई 100 किस पर, ये आपका हो गया 2 PR/100 और साथ में पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। थर्ड ईयर में जो हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें इतना मिलेगा, राइट, तो अगर आप देखें तो ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास आ गया 2 PR/100 का होल स्क्वायर और PR/100 का होल क्यूब। इस तरीके से ओवरऑल आपके पास इतने इंटरेस्ट आ गए। अगर आप देखें कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना मिला, तो ये 3 PR/100 तो मिला ही मिला, राइट, ये 3 PR/100 तो आपको मिला ही मिला। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्या है, दिस वन एंड दिस वन, यानी कि आपके पास मिला 3 PR/100 का होल स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला बन गया जो हमने पहले समझा था। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमने अभी अभी पढ़ा भी था। ये हो गया आपके पास PR/100 का होल क्यूब। तो इस तरीके से ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसको आप जो है ध्यान से रखेंगे। ठीक है गुरप्रीत, तुम्हारा फोन मैंने म्यूट पे लगा दिया बेटा। ठीक है, कुछ भी अगर आपको पूछना हो मैं एक बार फिर से बोल दूं, राइट, सम ऑफ यू हैव ज्वाइंड मी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस लाइव क्लास, सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इसमें ऑप्शंस में हैंड रेज करने का ऑप्शन है, चैट का ऑप्शन है, आप इंडिविजुअली मुझे क्वेश्चंस या कोई भी चीज नहीं समझ में आती है आप चैट बॉक्स में डालिए। और हालांकि मैं रिकॉर्ड करके वीडियो को जो है जनरली यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, है ना, तो आइए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पेन पेपर लेके बैठिए, जैसे आप क्लास में बैठते हैं वैसे प्रॉपरली बैठे। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन रुपीज 32,000 फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ओके, क्या इसमें हमारा फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड काम कर जाएगा, क्या जो हमने शॉर्ट ट्रिक इसके लिए सीखी है क्या वो स्ट्रेट अवे इसके लिए काम करेगा। व्हाट वाज द शॉर्ट ट्रिक, दैट सीआई माइनस एसआई फॉर 3 इयर्स इज इक्वल टू पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर, इसका 3 टाइम्स, और पी आर बाई 100 का होल क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका स्ट्रेट अवे यहाँ पे काम करना चाहिए। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले से भी करेंगे और इसका एक तरीका और भी देखने का प्रयास करेंगे कि मान लो अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहता तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है भाई, पी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, पी दोनों में पी कॉमन ले लेते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें इसमें बताना है डिफरेंस बताना है जो कि हमारा 32,000 पी दे रखा है। तो चलो पी ऐसा करते हैं 32,000 क्यों ना लिख ही लिया जाए। ठीक है, दिस इज 32,000। अब ये बचा 3 R/100, R कितना है 5%, तो R/100 कितना हो जाएगा 1/20। ठीक है,
एक बटे बीस का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/400। सिमिलरली पी हमने पहले रखा है, ये एक बटे बीस का जब क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें आंसर मिल जाना चाहिए बड़े आसानी से। 32000 ये हो गया, 8000 हमारा एलसीएम आएगा, ये कितना हो गया भाई, 3 और 2, राइट, 3 और 2 बल्कि 60 आएगा। ठीक है, और यहाँ तो हमें एक ही मिलेगा, ये चीज इससे कैंसल हुई, ये 4 से गया, 61 गुने 4 क्या आंसर मार्क करेंगे हम लोग, 244। तो ये तरीका डेफिनेटली कारगर है और हम लोग बड़े आसानी से आंसर तक पहुंच सकते थे। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये बच्चा 4 और ये 61, यानी कि 244 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना चाहिए था, राइट। ये फॉर्मूला कैसे आता है हमने अभी इस चीज को भी समझा है, जो लोग अभी लेट जुड़े हैं क्लास के लिए, आई वुड सजेस्ट कि मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप एक बार दोबारा से स्टार्टिंग का जो भी आपका 10-15 मिनट मिस हुआ है उसको देख लीजिएगा। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज ₹102। ओके, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ठीक है, हमसे ये पूछ रहे हैं कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्षों के लिए ₹102 हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट उसी सम पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कितना होगा। ठीक है, ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, विल बी होना चाहिए, सिंपली ये कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ठीक है ना, फॉर द सेम पीरियड व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सेम पीरियड के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये पूछने जा रहे हैं। देखो अब यहां तक एक बात तो क्लियर हो चुकी है हमें कि 2 वर्षों में अगर प्रिंसिपल सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हर बार हमें ज्यादा मिलेगा। ये बात हम लोगों को अभी तक, मतलब ये क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा दिखना चाहिए माइंड में, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ये मैं सिर्फ क्योंकि आपके माइंड में अगर यही चीज चल रही है तो सही चल रही है, और अगर ये चीज नहीं चल रही है तो ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये माइंड में चलना चाहिए कि भाई कुछ यही तो केस है, पी आर बाई 100 और ये क्या है, पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। तो जो भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है, ये चीज हमारे माइंड में चलनी चाहिए कि हाँ ऐसा होगा। अब बात ये है कि ये टोटल 102 है, दिस इज 102, तो पूछा गया बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 4% दे रखा है। देखो जो भी हमारे सारे ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं 102 से छोटे हैं और 102 से छोटा ही आंसर होगा, तो एक तो ऑप्शन से हम एक्सप्लोर करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में ये सजेस्ट करता हूँ, अब यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक भी हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हमने अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में डेवलप की है वो कहीं ना कहीं काफी काम की है, इस बात को हमें समझना है। देखिए जैसे ये आपके पास 100 रुपीज है, राइट, मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको वो ऑप्शन पहले इवेल्युएट करने चाहिए जिसमें कैलकुलेशन आपको आसान दिख रही है। ठीक है, अब देखो समझने की बात यह है कि अगर ये 100 रुपए है, राइट, अगर ये 100 रुपए का ब्याज है तो समझने की बात है कि 50 रुपए यहाँ मिले होंगे, 50 रुपए यहाँ मिले होंगे, और यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ होगा, 50-50 तो मिला ही होगा, और साथ में जो 2 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला है वो उस ब्याज पे ब्याज मिला होगा, यही तो हम समझते हैं। अब सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि ये 2 रुपए जस्टिफाइड है कि नहीं, अगर जस्टिफाइड है तो ये हमारा आंसर। ठीक है, मैंने कुछ और क्यों नहीं लिया, मैंने 98, 99, 101 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन ज्यादा दिख रही थी। मैंने ये स्ट्रॉन्गली सजेस्ट किया है कि आप जब कभी भी ऑप्शन से कर रहे हैं, व्हेन यू आर एलिमिनेटिंग द ऑप्शन, यू आर आइडेंटिफाइंग द करेक्ट ऑप्शन, आप हमेशा क्या कीजिए, आप हमेशा जो इजीएस्ट कैलकुलेशन वाला ऑप्शन है आप वहां से पिक कीजिए, जरूरी नहीं है कि हम लोग ऑप्शन ऐसे ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस बात को समझा, अब सिर्फ ये देखना है कि ये जो 50 रुपए है, 50 रुपए का 4% क्या 2 रुपए होगा, तो होगा ना, सो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 100। कैसे देखा भाई, फिर से देख लो अगर थोड़ी सी परेशानी हो रही है किसी को भी। ठीक है, हमें बताना है कि 50 रुपए का, बताओ 50 रुपए का 1% कितना होगा, 50 पैसे, तो 4% कितना होगा, 50 पैसे का 4 गुना यानी कितना हो गया, 2 रुपए। ठीक है, तो ऐसे भी हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 1% देखना सबसे आसान है, 10% देखना और भी आसान है,
ठीक है, 4% क्या हो जाएगा उसका 4 गुना हो जाएगा, 1% का 4 गुना हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर स्ट्रेट अवे कितना हो जाना चाहिए था, 100 रुपए हो जाने चाहिए थे। आगे बढ़ रहा हूं मैं, इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो ये बात भी हम लोगों ने जरूर से बचपन में पढ़ रखी होगी, हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया होगा कि कभी भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था, राइट, अगेन गोइंग बाय द बेसिक रूल, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कभी भी हम लोग कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो ये 2 years के लिए तो 2 है और जनरली n years के लिए n है। कंपाउंडेड एनुअली, राइट, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली है या कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग उसको कंपाउंडेड एनुअली लेते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि साल में एक बार आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, राइट, तो जो भी r परसेंट है वो उतना ही रहेगा और n बराबर कितना हो जाएगा, 2 years है तो 2 years रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी आपको 6 माही ब्याज मिल रहा है, हर 6 महीने में ब्याज मिल रहा है, तो समझने की बात यह है कि 2 वर्ष में आपको कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा, 4 बार, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, जस्ट आधा हो जाता है, ये आर बाई 2 हो जाता है। सिमिलरली अगर क्वार्टरली मिल रहा है, यानी कि हर तीन महीने में आपको ब्याज मिल रहा है तो एक साल में आपको 4 बार मिला, तो 2 साल में कितनी बार मिला, 2 साल में आपको 8 बार मिला, ये 8 हो जाएगा और आर कितना हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा। तो ये जो बेसिक जानकारी है इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस बेसिक इंफॉर्मेशन को हम लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में इसका कोई डायरेक्ट यूसेज नहीं है, बट हाँ आगे आपको जो है इस पे अच्छे क्वेश्चंस मिलने की संभावना बनती है। आइए लेट अस प्रोसीड टू दिस क्वेश्चन, देखते हैं इसको स्ट्रेट अवे कैसे कर सकते थे। ये हमारे पास एन है, राइट, और एन की वैल्यू इस सवाल के लिए कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो बड़े आसानी से ये आपका 2.25 क्या हो गया, पी हो गया, और ये आपका पी है, इस पी को उठा के क्यों ना हम यहाँ नीचे रख लें, तो यहाँ हमारे पास सिंपली बच क्या गया, आर बाई 100 का होल स्क्वायर। और ध्यान रखना कि स्ट्रेट अवे तुम कभी भी अगर इस चीज को देखोगे तो ये जो 2.25 है 225 और नीचे इस पी को अगर मैं 100 से ऊपर नीचे गुना कर लूं और इस 2 को उठा करके इधर ले आऊं तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया ना, राइट, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आपके पास इस तरफ क्या बच गया, 1 + r/100, और यहां अगर अंडर रूट देखो ये 1/2 क्या है, अंडर रूट है, ये क्या हो गया 15/10। 15/10 कितना होता है भाई, ये होता है 3/2, 3/2, 3/2 को क्यों ना मैं 1 + 1/2 लिख लूं, और 1 + 1/2 किसके बराबर है, r/100 के बराबर है, तो r बराबर कितना मार्क करेंगे, 50%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से हम लोग कर सकते थे। कुछ जगह पे हमने इसको देखा है कि इसको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म में बताया जाता है, राइट, इसको भी समझ लेते हैं, राइट, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे क्या हो सकता है, क्यों शॉर्ट ट्रिक है। हालांकि शॉर्ट ट्रिक ऐसा कुछ है नहीं, स्ट्रेट अवे यहीं से निकल के आ रहा है। अब कह रहे हैं 2.25 टाइम्स है, शॉर्ट ट्रिक में ये कहते हैं कि अगर एन की वैल्यू 3 है, राइट, एन की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे क्यूब रूट कर देना, एन की वैल्यू 4 है तो 4th रूट कर देना, 2 है तो स्क्वायर रूट कर देना। समझने की बात है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये फॉर्मूला यहीं से तो निकल के आया है, राइट, दिस इज द बेसिक थिंग। अब ये स्क्वायर है, इस तरफ लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा, अगर क्यूब होता तो क्या बनता, क्यूब रूट बन जाता। तो ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है, अभी स्क्वायर तो फिर स्क्वायर रूट बनेगा। और स्ट्रेट अवे हमने आंसर कैसे मार्क किया कि 1 + 1/2 = 1 + r/100, तो हमने 1 और 1 को कैंसिल कर दिया, r/100 = 1/2, तो r कितना हो गया, 50%। तो बड़े आसानी से ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग आसानी से इसको देख सकते थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब ये है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इस चीज को समझेंगे, ठीक है, इसको भी एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे सपोज करो, ये खास करके कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ज्यादा एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में नॉमिनल यानी जो नाम का है और इफेक्टिव यानी जो वास्तविक में लागू हो रहा है, ठीक है, दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। तो मान लो जैसे तुम्हारे पास कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20% दे रखा है, ठीक है, एनुअल, क्या है ये, एनुअल, ठीक है। और कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए प्रिंसिपल को मैं 100 मान लेता हूं,
समय को एक वर्ष ले लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू वन ईयर. एंड वी वॉन्ट टू कैलकुलेट कि अगर हमें एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर हाफ ईयरली मिलेगा तो कितना मिल रहा है, और अगर हमें क्वार्टरली मिलेगा तो कितना मिल रहा है. ठीक है, अगर हमें क्वार्टरली मिलेगा तो कितना मिलेगा. ठीक है, आइए इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे. देखिए, इतनी बात तो तय है कि एनुअल है तो साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, 20% मिलेगा, 100 रुपए का कितना मिलेगा भाई, 20 रुपए. और अगर हाफ ईयरली है तो हमें साल में 2 बार मिलेगा, और अगर क्वार्टरली है तो वर्ष में हमें 4 बार ब्याज मिलेगा. ठीक है, अब हम इस बात को देखते हैं कैसे कैसे. एनुअल में तो कोई टेंशन नहीं है, 100 रुपए का 20% हो गया. हाफ ईयरली में क्या है कि रेट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि जब आपका आधा हो जाता है तो 20 का आधा कितना हो गया, 10%. यानी हर 6 महीने के लिए आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 10%. तो अगर ये 10% हो गया तो 10 रुपए आपको यहां मिला, 10 रुपए आपको यहां मिला. अब इस 10 रुपए पे भी आपको ब्याज मिलेगा, पिछले ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, बिकॉज ये चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो 10 रुपए का 10% कितना हो गया, 1. यानी कि आपको टोटल ब्याज कितना मिला यहाँ पे, 21 रुपए का मिला. जबकि क्वार्टरली की बात करेंगे तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 20 का 1/4, यानी कि 5%, हर क्वार्टर के लिए 5%. तो 100 का 5%, 100 का 5%, 100 का 5%. लेकिन दूसरे क्वार्टर के बाद से आपको ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो इसका 5% निकालोगे कितना आएगा भाई, 0.25. अब 10 रुपए 25 पैसे का 5% निकालेंगे, राइट. 10 रुपए 25 पैसे का 5% नहीं, 10% निकाल लेते हैं, कितना हो गया, 1.025. ठीक है, अगर ये 10% है तो 5% कितना होगा, इसका आधा, और इसका आधा अगर आप कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.5. काफी छोटी वैल्यू आ रही है 1.25, राइट, बहुत छोटी सी वैल्यू आ रही है. इसको मैं लगभग 50 पैसे राउंड ऑफ कर रहा हूं, है ना, ये कितना आ रहा है, 0.50125. ठीक है, मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, इसको 0.50 ले रहा हूँ. ठीक है, एग्जैक्ट 2 places तक अगर आप जा रहे हैं तो दैट इज गुड इनफ. टोटल आपके पास 15 रुपए 75 पैसे का ब्याज आ गया. 15 रुपए 75 पैसे का फिर से 5% निकालना पड़ेगा चौथे वर्ष के लिए. तो अब हम देखते हैं अगर कितने आसानी से आ जाएगा भाई, 15 रुपए का 1% हो गया 15 रुपए 75 पैसे, यानी कि 1.157, ये हमारे पास 10% हो गया. तो 5% कितना हो जाएगा, इसका आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा भाई, 0.75 से थोड़ा ज्यादा होगा ना, ये 0.76 मैं ले लेता हूँ रफली. तो 20 रुपए तो ये हो गए, ठीक है, और 1 रुपए ये, 1.5 रुपए ये, लगभग हमारे पास 1.6. यानी अगर आप देखें तो आपके पास जो टोटल ब्याज मिल रहा है, यहाँ तो 20 ही मिला, यहाँ 21 मिला, लेकिन यहाँ कितना मिला, 21.6 के आसपास मिला. यानी ओवरऑल जो इंटरेस्ट है, राइट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हर केस में डिफरेंट है. यहाँ 20 नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 था, यहाँ पे इफेक्टिव भी 20 है. यहाँ पे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 ही है लेकिन इफेक्टिव कितना है, 21. और जो आपका क्वार्टरली है उसमें नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन 20 है, बट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इट इज 21.6. बैंकों में जो हमें ब्याज मिलता है वो इस हिसाब से मिलता है, सेविंग बैंक अकाउंट पे, सेविंग बैंक अकाउंट पे हमें क्वार्टरली ब्याज मिलता है और यही सिस्टम चलता है. यानी अगर बैंक कह रही है कि 4% ब्याज मिल रहा है तो एक्चुअली में आपको 4% नहीं मिल रहा, उससे ज्यादा मिल रहा है. ठीक है, और कैसे मिल रहा है इस बात को आप अभी समझ पा रहे होंगे. ठीक है, ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इस चीज को ध्यान रखना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो. ठीक है, you can keep a screenshot with you. Next question की तरफ बढ़ते हैं. Let us see the next question. चलो try करके देखो जरा. The compound interest on rupees 10,000 in 2 years at 4% per annum, the rate of interest being compounded annually. ठीक है, yearly. हमें बताना है 2 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा 4% के हिसाब से. बताइए कितना होगा. इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है ये 4% के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है. हाफ ईयरली का मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि हर 6 महीने में हमें ब्याज मिलने वाला है. ठीक है,
एक तरीका तो ये है कि आप फॉर्मूला लगा लें. फॉर्मूला क्या बताया था हम लोगों ने? हम लोगों ने इसका फॉर्मूला कर रखा है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/2 × 100. हाफ ईयरली है तो रेट को 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 2 से गुना करेंगे, तो ये 2 × 2 यहाँ पे कितना बन जाएगा? 4. ठीक है, इस केस में ये फॉर्मूला लगा के आप कर सकते थे. बट ये रेस टू द पावर 4 करने में मुझे तो बहुत तकलीफ होगी, राइट? मैं इतनी कैलकुलेशन कभी भी नहीं करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कुछ आसान तरीका मिल जाए तो बढ़िया रहेगा. तो हमने जो बेसिक तरीका सीख रखा है उसको क्यों ना अप्लाई करें, राइट? हमने क्या सीखा है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है? 4%, राइट? अगर हाफ ईयरली है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 2%. अब 2 साल की बात है, राइट? 2 ईयर्स की बात है, और 2 ईयर्स में हमें देखना है कि ब्याज कैसे देखना है. तो देखो भाई, ध्यान से सीखने का प्रयास करना, बहुत आसान क्वेश्चन है और हमें ये ऐसे समझना है. ये हमारा फर्स्ट टाइम जब इंटरेस्ट मिला, सेकेंड टाइम जब इंटरेस्ट मिला, थर्ड टाइम मिला, और ये आपका फोर्थ टाइम मिला. ठीक है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ईयर है, 1 साल में 2 बार ब्याज मिलेगा ना, और ये आपका सेकेंड ईयर है. ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि हो क्या रहा है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो, अब 10,000 का 2% लोगे तो 10,000 का 2% कितना होगा? 200 रुपए होगा. तो 200 रुपए प्रिंसिपल पे जो हमें ब्याज मिलना है वो तो मिलना ही है, प्लस सेकेंड टाइम से जो भी मिला है उस पे हमें फर्दर ब्याज मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे तो ब्याज कितना मिलता है? एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलता है? 0 मिलता है. अब जो भी ब्याज मिलेगा किसी प्रीवियस इंटरेस्ट पे मिलेगा. अब देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ना स्मार्टली आप ऑप्शन को भी चेक किया करो. ये तो कभी नहीं होगा और ये भी कहीं से कहीं नहीं बन सकता. आंसर या तो ये है या फिर ये है. अब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी काफी क्लोज है, 824.32 और 828.82. तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपने इस बात को समझ लिया है कि बिना कैलकुलेशन, बिना इस तरह के लंबे चौड़े कैलकुलेशन के भी आंसर तक हम लोग पहुंच सकते हैं बेसिक मेथड से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, राइट? अब इस पे देखे 200 का 1% कितना होता? हमारे पास 2 रुपए होता, तो 2% कितना हो जाएगा? 4 रुपए हो जाएगा. उसी प्रकार से ये हमारा कितना हो गया? 404 रुपए हो गया. 404 का अगर मैं 1% देखता तो कितना होगा? 0.4 होता. ठीक है, ये 1% है, तो 2% कितना हो जाएगा? 8.08 हो जाएगा. ये हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिला किसमें? जब थर्ड टाइम जब इंटरेस्ट मिला तो ये इतना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, और अब अगर हम देखें तो ये कितना हो गया? 612. ये हो गया हमारा 612.08. ठीक है, 612.08. ये इस तरीके से हम लोग आसानी से इसको देख पा रहे हैं. तो अब इसका अगर 1% देखते तो क्या करते? इसको हम लोग डिवाइड करते 100 से, यानी कि 1% इतना होता. ठीक है, तो 2% कितना होगा? इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 12.24. बस इतना ही काफी है 12.24. अब सिर्फ ये देख लो कि ये तुम्हारे पास हो गए कितने? 24 रुपए. अब ये हालांकि 24 और 8 32 हमें सबसे साफ साफ दिख रहे हैं, राइट? 32 यहाँ पे ये दिख रहे हैं और 24 और ऊपर 4 ये 28, यानी कि 828 रुपए हमें मिल गया. यानी मैं इसमें सही ऑप्शन कौन सा मार्क करूंगा? ऑप्शन नंबर डी. अब वो 82 पैसे आप सोचोगे कहाँ गए? कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे भी हमें पैसे मिल रहे हैं, ऊपर भी मिल रहे हैं, तो ये हमने राउंड ऑफ किया है. ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या मार्क करूंगा? 828 रुपए 82 पैसे. ठीक है, पूरी कैलकुलेशन में हमें टाइम नहीं खराब करना है, सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करनी है जितने में हम लोग सही आंसर को सही सही मार्क कर दें. ठीक है, टाइम जहां कहीं हो सके सेव करने का प्रयास करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं. देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 इयर्स. साधारण ब्याज पे एक निश्चित राशि 3 साल के लिए एक निश्चित दर पर, दर भी नहीं मालूम है और राशि भी नहीं मालूम है. ठीक है, साधारण ब्याज पर दी गई थी. अगर इसे 1% अधिक दर पर रखा जाता तो इससे 5100 रुपए अधिक प्राप्त होता, तो बताइए राशि कितनी होगी? ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि साधारण ब्याज का केस है, किसी फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करना चाहिए आपको. आप स्ट्रेट अवे इस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, आप में से किसी एक जने का माइक ऑन है? शिल्पा, आपका माइक ऑन है, मैं माइक ऑफ कर देता हूँ आपका. ठीक है, मैंने माइक आपका ऑफ कर दिया है. देखो भाई,
तो 5100 रुपए है भाई, 5100 रुपए हमें तीन वर्षों में एक्स्ट्रा ब्याज मिला। साधारण ब्याज है तो हम इतनी बात जानते हैं कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है। अगर तीन वर्षों में 5100 रुपए मिला है तो एक वर्ष में कितना मिलेगा भाई, एक वर्ष में 1700 मिलेगा। अगर एक वर्ष में 1700 हमें अधिक ब्याज मिलेगा, किसकी वजह से, 1% की वजह से, 1% की वजह से 1700 रुपए अलग मिलेगा। 1700 1% किसका, किसका 1% 1700 होता है, 1,70,000। इतनी सी समझ और इतनी सी कैलकुलेशन में इस क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते थे कि इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 1,70,000। फिर से समझना है, फिर से समझो, 5100 रुपए टोटल ब्याज मिला, कितने वर्ष में मिला, 3 साल में। कितना एक्स्ट्रा मिला, किसकी वजह से, इस 1% की वजह से एक्स्ट्रा ब्याज मिला। तो हमने सीधा सीधा इस बात पे ध्यान दिया कि भाई 5100 रुपए तीन वर्ष में अगर एक्स्ट्रा मिले तो एक वर्ष में एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 1700। अब ये 1700 है किसकी वजह से, इस 1% की वजह से। तो अगर 1% 1700 है तो 100% कितना हो जाएगा, इसके आगे 2 जीरो और लगा दो, राइट, 2 जीरो और लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 1,70,000 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया, ए ऑप्शन। बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते थे। आइए आगे बढ़ेंगे। If 84 amounts to rupees 1124 in 2 years, what will be the amount, what will be rupees 96 amounts to in 4 years at the same rate of interest per annum? यदि 2 वर्ष में, जरा क्वेश्चन ट्राई करके बताओ भी, चैट बॉक्स पे आंसर लिख के बताओ जरा फटाफट से, देखें आप में से कौन कर पाते हैं। 1 मिनट के लिए वेट करूंगा। अगर 84 रुपए, 2 वर्षों में 84 रुपए की राशि 114.24 हो जाती है तो समान ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 96 रुपए कितना हो जाएगा, ये बताना है। आप कैसे करेंगे, कैसे इसका आंसर सही सही निकालेंगे, ये चीज को समझना है। Anyone with the answer? आप लोग चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं, आंसर करके बताओ जरा कितना आ रहा है, अभी तक किसी का भी नहीं आया है। सॉल्व कर दूं, आसान क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा क्वेश्चन है, CHSL लेवल क्वेश्चन है, CJ लेवल क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूंगा, CHSL क्वेश्चन कहूंगा, क्लेरिकल लेवल क्वेश्चन कहूंगा इसको मैं, PO लेवल क्वेश्चन नहीं है। बहुत टाइम लगा रहे हैं, देखिए शायद आपका मेथड सही नहीं है, राइट, आई एम श्योर आंसर आप सभी लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इतना समय लग रहा है इसका मतलब शायद आपका मेथड ठीक नहीं है। देखो जरा कैसे करना चाहिए था, 84 रुपए हैं 114.24 रुपए, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि 30.24 रुपए का ब्याज मिला, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। साधारण ब्याज है तो एक वर्ष में देखने में कोई तकलीफ नहीं होगी, 15.12 रुपए। ये चीज हमारा मौखिक होना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन डन ओरली विदाउट एनी रिटन वर्क, ठीक है, इस पॉइंट तक हमें ओरली पहुंचना चाहिए था, ये इसको ये कहीं से कहीं लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अब समझने की बात यह है कि ये हमें एक साल में इतना ब्याज मिला, किस पे मिला, 84 रुपए में मिला, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या हम इस बात को नहीं निकाल पाएंगे, 15.2 हमें इतना ब्याज मिला एक वर्ष में 84 रुपए पे, कितना ब्याज मिला ये नहीं देख पाएंगे क्या, बिल्कुल देख पाएंगे। आइए देखते हैं कितना हो रहा है, ये इस 100 को मैं इसमें अगर गुना कर दूं तो ये डेसिमल यहां से गायब हो जाएगा, ठीक है, 100 को मैंने इधर गुना किया, डेसिमल गायब हो गया। 12 से काटते हैं, 12 × 7 = 84, ये इसको हमने 12 से काटा तो ये आ गया 12 × 1 = 31, यानी कि 2 से गया, और 2 से गया तो ये कितना बच गया भाई, 2 से गया 24, 72, यानी कि 6, 126 आ रहा है। 7 से अगर देखें तो 18 × 7 = 126 होता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लिया, कितना, 18%। दिस इज द फर्स्ट कैलकुलेशन दैट वाज नीडेड, एंड इन द सेकंड कैलकुलेशन यू गेट द आंसर। अब 18% के हिसाब से हमें 96 रुपए पे 4 साल में कितना आपका मिश्रधन होगा, यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द अमाउंट दैट 96 विल गिव यू आफ्टर 4 इयर्स। कुछ नहीं करना भाई, तुम सीधा सीधा 96 का 10% बताओ कितना होगा, 9.6 होगा,
ठीक 9.6 होगा 10%, तो 20% कितना हो जाएगा भाई 18 और ये यानी कि 19.2, ये 20% है ठीक है। इस 20% में से अगर मैं 2% घटा दूं यानी कि 1.92 घटा दूं तो कितना हो गया 18% नहीं हो गया क्या, ये आपका 20% है और ये आपका 2% है। 18% करने के लिए मैंने 20% में से 2% घटाया और ये वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी 18 गई, 11 में से गया तो ये 2 और इधर कितना रह गया 7 रह गया क्या 8 में से, यस 17.28 ये हमारा ब्याज है कितने वर्ष का, एक वर्ष का, चार वर्षों में कितना हो जाएगा इसका 4 गुना हो जाएगा ना 17 × 4 = 68 ठीक। और 28 को अगर मैं करता हूं तो 28 कितना हो जाएगा 28 × 4 ये अगर हम लोग देखें तो ये हो गया 100 और 16 यानी कि शायद 100 और 16 यानी कि 1 रुपए 16 पैसे ये बनेगा ठीक है। तो ओवरऑल जो मैं इसका आंसर मार्क करूंगा ये 96 रुपए तो ये और 96.96 प्लस 69 ये और 16 पे चलो उसको राउंड ऑफ में छोड़ देते हैं ऐसे ही देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये हमारे पास आ रहा है 5 और ये 55 155 वाला मेरे पास एक ही आंसर है जिसको मैं बिना किसी टेंशन के मार्क करूंगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी ठीक है। कैलकुलेशन एक ये थी दूसरी ये थी ठीक है, इतने से ये आंसर आना चाहिए था। देखो भाई फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने और फिर से आपको मैं एक मिनट का समय देता हूं, ट्राई करके देखो जरा। मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किया, अच्छा किसी ने कर लिया क्या कॉल इश्यू, नो प्रॉब्लम यू कैन लीव दैट्स ओके ओके। देखो भाई मिस्टर एक्स 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए एक राशि निवेश करता है, यदि ब्याज चक्रवृद्धि रूप में संयोजित होता है तो वह ब्याज के रूप में 450 रुपए अधिक प्राप्त करता है, निवेश की गई राशि कितनी है। अब ये क्वेश्चन तुम्हें देखा जाए तुम्हें इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आती है और पूरी समझदारी डेवलप्ड है, क्या ये क्वेश्चन हमें सीधा सीधा नहीं कर देना चाहिए, कौन सा शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए। सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक हमने इसके लिए कई बार इस पे हम लोगों ने सवाल कर लिया और ये ज्यादातर सवाल अगर आप गूगल पे डाल के देखेंगे तो ये सब प्रीवियस ईयर के अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस ही मैंने लिए हैं ठीक है। तो डायरेक्टली ये वाली शॉर्ट ट्रिक जो हमने इसी वीडियो में पढ़ी है वो सीधा सीधा अप्लाई करना है ठीक है। ये अंतर आपको दे रखा है 450 का, पी का मान आपको निकालना है और आर की वैल्यू भी आपको दे रखी है, आर कितनी दे रखी है भाई 15% 15% 15/100 अगर करते हैं 5 से गुना कर दें 5 से भाग दें ये 3 रह जाएगा, 5 से यहाँ कर दें ये 20 रह जाएगा ठीक है होल स्क्वायर। तो पी कितना हो गया ध्यान से देखो 450 दाएं तरफ, ये 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 400 और 3 का स्क्वायर करेंगे ये हो गया 9 यानी हमारे पास जो इसका उत्तर हो जाएगा ये 50 और ये हमारे पास हो जाएगा 20,000 इसका आंसर आना चाहिए। 20,000 कोई नहीं है, गो फॉर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। हालांकि मैं तुम्हें बताऊं नन ऑफ दीज जनरली कम ही 10% या 15% क्वेश्चन का ही सही आंसर नन ऑफ दीज होता है, जनरली ये नहीं होता, बट हाँ जहाँ पे इस लेवल के क्वेश्चन है बड़े आसानी से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारा सही आंसर है ठीक है। तो 20,000 इस हिसाब से हो जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है ये आपको आसान लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। A sum is invested for rupees 3 years compounded, अब देखो यहाँ पे compound interest अलग अलग है, पहले वर्ष में 5% है, दूसरे में 10% है, तीसरे में 20% है in 3 years और टोटल जो सम है यानी कि अमाउंट यहाँ पे देखो, अब ये जो सम है ना इस बात को भी ध्यान रखना, इंग्लिश में जो लोग क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, हालांकि हिंदी में तो ये चीज जो है साफ साफ, हालांकि यहाँ पे भी राशि दे रखी होती है राइट, सम को हिंदी में हम लोग क्या कह लेते हैं राशि कह लेते हैं। तो ये जो सम है ये कभी कभी तो प्रिंसिपल के लिए यूज होता है और कभी कभी अमाउंट के लिए भी यूज होता है, तो ये आपको क्वेश्चन की भाषा से समझना है कि वो जो धनराशि जिसकी बात कर रहे हैं कि वो मूलधन की बात कर रहे हैं या मिश्रधन की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं या अमाउंट की बात कर रहे हैं, ये चीज हमें समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे डेफिनेटली ये अमाउंट्स टू है तो ये क्या है ये मिश्रधन है,
और यहाँ जो ये सम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। एक राशि यहाँ, ये क्या है? ये प्रिंसिपल है, राइट। एक राशि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है? ये हमारा प्रिंसिपल है। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना इतना निवेश की जाती है, 3 वर्षों के बाद इतना हो गया। अब ये क्या है? ये आपका अमाउंट है, यानी कि मिश्रधन है, हो जाता है। तो राशि प्राप्त कीजिए, हमें इसमें क्या बताना है? हमें इसमें प्रिंसिपल बताना है। वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन के लिए एक नए तरह का अप्रोच मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं, जो हमने इस वीडियो में अभी तक डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करना, मुझे उम्मीद है तुम्हें आसान लगेगा, ठीक है। देखो भाई, अब इसमें क्या है, मैं ये मानता हूं इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप प्रिंसिपल को 100 रुपए लेकर के देखें तो बड़ा आसान आपको लगेगा। जैसे 100 रुपए है तो पहले वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 100 रुपए पे तो मिलेगा ही, कितना मिलेगा? 5 रुपए मिलेगा। अगले वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो 10% के हिसाब से मिलेगा, 100 रुपए का 10% कितना हो गया? 10 रुपए। और ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं 5 रुपए का 10% निकालूं तो क्या ये 50 पैसा होगा? ठीक, 5 रुपए का 10% 50 पैसा। अब 20% तीसरे वर्ष में मिले, तीसरे वर्ष में जो मूलधन है उस पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, 20% 100 का कितना हो गया? 20 रुपए। और प्लस प्रीवियस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, प्रीवियस इंटरेस्ट कितना दिख रहा है हमें? 15.5 का 10% कितना हो गया? 1.55। तो 20% कितना हो गया? इसका दोगुना, इसका दोगुना कितना हो गया भाई? ये हो गया तुम्हारा 0, 10 और 1 11, 2 और 1 3, यानी कि 3.1, 3 रुपए 10 पैसे। यानी टोटल ब्याज जो हमें मिला 3 वर्षों में, 100 रुपए पे, 100 रुपए पे जो 3 वर्षों में ब्याज मिला वो कितना मिला? ये हो गया हमारे पास 30, 35, 35 और 3, 38, 38 रुपए 60 पैसे इतना ब्याज मिला। अब यहां से अगर हम इस बात को समझते हैं, थोड़ा सा मैं आपका स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं इस चीज को थोड़ा, चलो इधर बाएं तरफ शिफ्ट कर देता हूं, थोड़ी हैंडराइटिंग ना मेरी बड़ी बड़ी लिखता हूं, थोड़ी सी ज्यादा स्पेस ले लेता हूं मैं, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। ये इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो हमें जो है इतना ब्याज मिला, ये बात हमें समझ में आती है, ओके। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितना हमारा प्रिंसिपल होगा। तो समझने की बात बहुत सिंपल है कि 100 रुपए जो है हमारा वो 138 इतना बन गया, राइट। 138.6 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है सवाल के? 16,632 रुपए के इक्विवेलेंट है। तो हमारा 100 रुपए इनकी किसके बराबर होगा वो हम देख लेते हैं, काम खत्म, राइट। स्ट्रेट अवे व्हाट इज द आंसर? 16,632 डिवाइडेड बाय 138.6 इनटू 100, दैट इज इक्वल टू द आंसर। इस कैलकुलेशन को आइए करके देखते हैं फटाफट से कितना हो जाएगा ये, अगर हम इसको कैंसिल करिए, जीरो ये डेसिमल हटा दें, डेसिमल हटा के एक जीरो क्यों ना ऊपर ही लगा दें, और कैलकुलेशन आइए करके देखते हैं। तो ये कैलकुलेशन हमारे पास है 16,632, इसको हम भाग किससे दे दें? 1386 से। तो ये एग्जैक्टली ये हम लोग देख रहे हैं कि ये 12 से जा रहा है, तो ये 12,000 हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। इसमें हमने कैलकुलेशन को कैसे रिड्यूस कर लिया? हमने कैलकुलेशन को 100 मान के रिड्यूस कर लिया कि अगर 100 रुपए है तो एक वर्ष में 5% के हिसाब से इतना, अगले वर्ष में 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 100 रुपए 10% 10 रुपए, और प्लस प्रीवियस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिला तो 5 रुपए का 10% निकाला, इतना आ गया। अगले वर्ष में 20% पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना हो गया? 100 का 20% 20 रुपए, और प्रीवियस इंटरेस्ट अब कितना हो गया? 15.5, इस पे हमने निकाला कितना? 20%, तो कितना आया? 33.1। टोटल इंटरेस्ट हमारा आ रहा है कितना? 38.6। यानी 100 रुपए प्लस ये क्या हमारा मिश्रधन है, ये हमारा अमाउंट है, और एज पर दी क्वेश्चन जो हमारा अमाउंट है वो क्वेश्चन का अमाउंट कितना है? इतना है, ठीक है। हमने दोनों को इक्वेट किया, हमें क्या पूछा गया है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है? 100। तो अगर 138.6 इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज इक्विवेलेंट टू 100? स्ट्रेट अवे वी हैव द आंसर एज 12,000, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आसानी से हो सकता था। आओ भाई, एक क्वेश्चन और है,
at what rate of interest will be 50,625 yield compound interest of 10,815 in 9 months being compounded annually? अगर 50,625 रुपए की राशि 3 महीने में 10,815 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितने दर पर देगी, ये हमसे पूछा गया है। इसका दर क्या होगा, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? देखो ये 20.3 मुझे 6.33 की तरह दिखता है, ये 80.3 जो है ये कितना दिखता है भाई, 2 से जाएगा और 20, ये लगभग 26.66 के आसपास दिख रहा है। 20 तो 20 की तरह ही दिख रहा है और ये 80 की तरह दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस बड़े अच्छे दे रखे हैं, ऑप्शंस बहुत ही अच्छे दे रखे हैं, जिसको हम अगर प्रयोग करें तो कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी, राइट। अच्छे देने का मतलब क्या है, इनके बीच में अंतर बहुत है, राइट। अगर ये बहुत क्लोज होते, ये 26 है, ये 20 है, एक 18 होता, एक 22 होता, तो काफी क्लोज होते और वहां पे हम फिर अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज कर पाते, ठीक है। तो आइए इस बात को समझेंगे कि 50,000 रुपए का अगर हम 10,000 देखते हैं, अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना भाई, 50,000 रुपए का अगर हम 10,000 देखते तो ये लगभग 20% ब्याज होता, ठीक। 10,000, 50,000 रुपए पे मैं कह रहा हूं ये लगभग कितना होता भाई, ये लगभग तुम्हारा 20% होता, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट 10,000 नहीं है और ये एग्जैक्ट 50,000 नहीं है, इसलिए मैंने लगभग कहा 10,000 50,000 का, तो एग्जैक्टली 20% ही है, ठीक है। तो समझने की बात ये है कि ये लगभग 20% के आसपास का ब्याज मिल रहा है, और एक वर्ष में नहीं मिल रहा है, 9 महीने में मिल रहा है, 9 महीने में मिल रहा है, यानी ब्याज दर 20% से अधिक होगा, राइट, 20% से अधिक होगा। कौन सा आंसर मार्क करोगे मेरे भाई? मैं तो सीधा सीधा बी ऑप्शन मार्क कर दूंगा बिना किसी टेंशन के। तो जब आप चीजों को समझ के करते हैं तो अच्छी बात यह होती है कि जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है आप नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे आंसर मार्क करते हैं। तो इस बात को आप समझेंगे कि इसमें स्ट्रेट अवे हम लोग बी ऑप्शन मार्क कर सकते थे ऑन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव डेवलप्ड सो फार, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, इस क्लास के बाद मैं इसका एक सेकेंड क्लास भी लूंगा। जनरली मैं एक टॉपिक एक वीडियो में फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, बट इस बार से मैंने डिसाइड किया है कि 2 क्लास लेंगे ताकि थोड़ा ज्यादा डिटेल तरीके से कर सके। आज भी हमने कुछ बेसिक चीजों को ढंग से किया है, क्वेश्चंस भी ढेर सारे किए हैं। अभी जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं मैं इधर दाएं तरफ लिख देता हूँ, ध्यान रखना ये टॉपिक अभी मैं इस अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। अभी 10 मिनट की क्लास और रह गई है, इसको फिनिश करना है, जो अभी लास्ट चीज लिखी है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंड टाइम्स ऑफ एसआई एंड सीआई, इसको भी कर लेते हैं, ये भी एक आसान टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इंस्टॉलमेंट पे बेस्ड होगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक प्री इंस्टॉलमेंट और एक पोस्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। आप जब स्कूटर खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं, सामान पहले ले लेते हैं और फिर उसकी किस्तें बाद में देते रहते हैं, वो क्या है, पोस्ट इंस्टॉलमेंट है। आपने सामान पहले लिया, इंस्टॉलमेंट बाद में थी। जब आप मकान खरीद रहे हैं, बिल्डर आपसे बोलता है भाई अभी से पैसे देने शुरू करो, 5 साल के बाद पोजीशन देंगे, अब वहां पे पोजीशन आपको बाद में मिलता है, पैसे आपने पहले दिए, वो कौन सा केस है, वो प्री इंस्टॉलमेंट है। तो दोनों ही केस में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कौन सा आपके लिए फायदेमंद है, क्या है, मतलब व्यवहारिक ज्ञान भी हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ साथ उस पे सवाल कैसे आते हैं उसकी बात भी करेंगे। ये हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा, ध्यान रखना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं जहां आपके ग्रुप पे ये अनाउंस करता हूं तो मैं अनाउंस कर दूंगा। चलो कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर, इसमें हम लोग जो करने वाले हैं एंड टाइम्स। अब जैसे सपोज करो तुम इस तरह के सवाल भी काफी देखते होंगे, आसान तरह के सवाल होते हैं और बड़े आसानी से डील हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 टाइम्स, ठीक है, कोई अमाउंट जो है, एसआई का केस पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर सीआई का केस भी इसका डिस्कस कर लेंगे। 2 टाइम्स होने के लिए मान लो 5 वर्ष रखते हैं, ठीक है, तो पूछा गया बताओ 3 टाइम्स होने के लिए कितने वर्ष लगेंगे। A sum of money doubles itself in 5 years, in how many years will it become 3 times? ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को मैं ये चाहता हूं आप इसको स्ट्रेट करना सीखें। देखो जो लीनियर, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो लीनियर ग्रोथ देती है और कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है। गणित की भाषा है, थोड़ा और आसान तरीके से इसको आपके सामने रखता हूं, ठीक है। जो साधारण ब्याज है
अब दोगुना हो गई, यानी 100 रुपए था तो ब्याज कितना मिला, 100 रुपए और मिला, तभी तो 200 हुआ, राइट। ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है और ये अमाउंट है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। तो हमें ध्यान सिर्फ इस पर देना है, ध्यान रखना। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम ये देखेंगे, बिकॉज ये तो था ही ना, ग्रोथ कितनी हुई, सिर्फ इसकी दोगुना हो गया, मतलब ग्रोथ कितना हुआ, 100 हुआ, ठीक है। 100 बढ़ने के लिए अगर 5 वर्ष लगे, तो अब जब 3 गुना होगा, यानी कि ये 300 होगा, तो आई कितना होगा, 200 होगा। तो अगर 100 के लिए 5 वर्ष, तो 200 के लिए 10 वर्ष, खत्म, सीधा सीधा आंसर। बात को समझो, एक उदाहरण और देता हूं, क्या कहा पहले इसी को एक बार रिपीट कर दे, फिर अगले उदाहरण पे आते हैं। मैंने ये कहा कि आप सिर्फ इंटरेस्ट पे ध्यान दीजिए। चलो इधर थोड़ा बेहतर करके लिख देता हूँ, यार मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, आई एम सॉरी फॉर दैट, राइट। जैसे ये मेरे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट है, ठीक है। तो 100 रुपए है, ये कह रहे हैं दोगुना हो गया अमाउंट, यानी इंटरेस्ट कितना मिला, तो दोगुना हुआ, 200 मिला ना यार। और जब अमाउंट 3 गुना हुआ, तो प्रिंसिपल तो अभी भी 100 रुपए है, राइट। ब्याज कितना हो गया, अब आपका ब्याज 200 हो गया। मैंने ये कहा आप अपना पूरा फोकस कहां रखो, इंटरेस्ट पे रखो, पूरा फोकस अपना इंटरेस्ट पे रखो, ठीक है। जो तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, तुम पूरा ध्यान उसमें लगाओ। अब 100 रुपए का इंटरेस्ट मिलने के लिए अगर 2 गुना है, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला, 100 गुना, राइट। 100 रुपए का इंटरेस्ट होने के लिए आपको कितना लग गया, 5 वर्ष लग गए, तो बोल रहे हैं 3 टाइम्स, यानी कितना, 200 गुना के लिए कितना हो जाएगा, 200 के लिए हो जाएगा 10 वर्ष, 100 के लिए 5, तो 200 के लिए 10, डायरेक्ट आंसर। एक और एग्जांपल ले लो, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये मैं यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है, आई विल इरेज दिस। जैसे मान लीजिए कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है, 5 टाइम्स हो जाती है, कितने वर्षों में, मान लो 16 वर्षों में, ठीक है। पूछा गया बताओ 7 गुना होने के लिए कितना वर्ष लगेगा। ध्यान से देखो, पहले इस क्वेश्चन को मैं करके बता रहा हूं, आगे क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना। अगर 5 टाइम्स के लिए 16 वर्ष लग रहे हैं, एक कम कर दो, है ना, बिकॉज एक मैंने अभी क्या बताया, एक तो ये प्रिंसिपल है, ध्यान किस पे देना है, सिर्फ इंटरेस्ट पे। तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 400। तो अगर 400 के लिए 16 वर्ष लगे, तो 100 के लिए 4 वर्ष लगे, 7 टाइम्स, यानी कि 600 के लिए निकालना है, तो 600 के लिए कितना हो गया, 24 साल, खत्म, 24 ईयर्स इज द आंसर, स्ट्रेट अवे। एक और हो जाए, चलो एक और लेते हैं, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, परेशान मत होना, YouTube पे डाल दूंगा, दोबारा से वीडियोस चेक करना। देखो भाई, एक बार फिर से एक और उदाहरण लेते हैं, कोई धनराशि मान लीजिए 9 गुना होने के लिए, ठीक है, 9 टाइम्स होने के लिए 16 वर्ष का समय लेती है, ठीक है। तो बताना है कि 18 गुना होने के लिए, ठीक है ना, 18 गुना होने के लिए कितने वर्ष का समय लगेगा। देखो सोचने का तरीका सीखो भाई, सोचने का तरीका सही है तो बहुत बढ़िया है। अब क्या बोला मैंने, ये 900, 100 उसमें वो है, मतलब कितना, 800, यानी कि 800 की ग्रोथ लेने के लिए 16 वर्ष लग रहे हैं, तो 100 की ग्रोथ के लिए कितने, 2 वर्ष। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, 18, यानी हमें क्या चाहिए, 17 टाइम्स के लिए चाहिए, तो 17 × 34, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और आगे बढ़ेंगे इसी तरह का सवाल जब कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है, तो इसको भी फटाफट से करते हैं, लास्ट 2 मिनट्स की क्लास रह गई है, फिनिश करके फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। देखिए भाई, अगर यही क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाए, ठीक है, आपसे पूछें कि बताओ अगर कोई धनराशि जो है 2 गुना हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है, मान लीजिए 5 वर्षों में, ठीक है, आपसे पूछा गया बताओ 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, या 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, या 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। ध्यान रखना, यहाँ जब भी सवाल देंगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, ये कौन सा केस है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, ठीक है, कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में यही कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो हम कैसे डील करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा जो है अगर 2 टाइम्स दिया है तो 2 की पावर ही आपसे पूछेंगे, राइट। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अगर जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो इस बात को समझते हैं कि लॉग का रोल आता है, और लॉग टेबल हमारे एग्जाम में अलाउड नहीं है,
तो हम लोग स्ट्रेट अवे, खैर मैं इतना डिटेल मैथ्स में नहीं जाऊंगा, हम लोग सीधा ऊपर ऊपर अपने एग्जाम के लेवल पे ही रहेंगे, उसको एक्सीड करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर निकालना सीखेंगे। टू टाइम्स है 5 ईयर्स, तो 4 टाइम्स के लिए क्या करोगे, ये देखो कि इस किसकी घात कितनी है, 2, 4 क्या है, 2 स्क्वायर है, आंसर क्या होगा, जो भी घात है इनटू दिस, यानी कि 10 साल। अगर 8 के लिए बोल रहे हैं तो ये कितना है, 2 की पावर 3, आंसर क्या दोगे, 5 × 3, जो भी घात है उसको बेसिक से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। 16 है, 16 के लिए ये क्या है आपका, 2 की पावर 4, तो ये 4 × 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स हो जाएगा, स्ट्रेट अवे आंसर आ सकता है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, राइट, मान लीजिए कोई सर्टेन सम ऑफ मनी सीआई के केस में 3 गुना हो रही है, यानी कि 3 टाइम्स हो रही है, और 3 टाइम्स होने में इसको 6 ईयर्स लग रहे हैं। हमसे पूछा गया, बताओ 9 टाइम्स होने के लिए कितना लगेगा या 27 टाइम्स होने के लिए कितना लगेगा। अब देखो ये समझने की बात क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, ये क्या है, 3 का क्यूब है, तो ये 2 × 6 यानी कितने वर्ष में हो जाएगा, 12 साल में 9 गुना हो जाएगा, और 27 × 6 = 18, 18 ईयर्स में 27 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोगों ने समझे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करूंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लीजिए कोई सम ऑफ मनी 4 गुना 4 टाइम्स होने के लिए 10 वर्ष का समय लेती है, ठीक है। हमसे पूछा गया, बताओ 8 गुना होने के लिए कितने वर्ष का समय लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, मुझे उम्मीद है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, या 32 गुना होने के लिए कितने वर्ष का समय लगेगा। अगर आप थोड़ा इसमें चीजों को समझ रहे हैं तो अभी तक आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई है कि अब 3 गुना था तो 3 का स्क्वायर पूछा, 3 का क्यूब पूछा, यहाँ 4 पूछा है, बट ये 4 का स्क्वायर भी नहीं है और 4 का क्यूब भी नहीं है, पावर 4 भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ना 8 ना 32। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अगर पीछे हटेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है तो मैं इस चीज को ऐसे समझूंगा कि भैया ये जो है ये 2 का स्क्वायर है, 4 टाइम्स के लिए अगर हमारे पास 10 ईयर्स है तो 2 टाइम्स के लिए कितना होगा, 10/2 यानी कि 5 ईयर्स होगा। और अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन गया हम लोगों के लिए, अब भाई 2 टाइम्स के लिए 5 ईयर्स है तो 8 × 2 की पावर 3 यानी कि 15 ईयर्स, 32 कितना होता है, 2 की पावर 5 यानी कि 5 × 5 25 वर्ष। इस तरीके से इस लेवल के क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से विद इन सेकेंड्स आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आज की इस क्लास को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस के साथ, राइट, सो आई विल स्टॉप इट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।